तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यूट्यूब ने अपनी ऐप में वापस से अपडेट कर दिया गया है। वहाँ पर आप वापस यूट्यूब चला पाएंगे फुल एचडी में, ऐप में, जो कि फिलहाल बंद कर दिया गया था। फिलहाल अगर आपको एचडी वीडियो देखना होती तो आपको डेस्कटॉप मोड पर चलाना पड़ता था, तब जाके वो चलता था। अब उन्होंने ऐप में ही ये कर दिया गया, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं क्वालिटी को, वीडियो की एचडी और जो भी क्वालिटी आप चलाना चाहें उसको एडजस्ट करा सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं आगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना रहेगा उसके अंदर आपको। तो मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक्स में। ना गया था सबसे पहले अपने मोबाइल के जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च मारना है यूट्यूब। यूट्यूब सर्च मारने के बाद आपको कर लेना है उस ऐप को अपडेट। अपडेट करने के बाद करना है ओपन। ओपन करने के बाद आपको करना क्या, उस वीडियो को प्ले करना है जिस पे आपको इसको उसका रेजोल्यूशन बढ़ाना है या कम करना है। पहले होता क्या था, बाई डिफ़ॉल्ट इसका ऑटो भी 144 पे ही चलता था, अब उन्होंने अपडेट कर दिया गया है यूट्यूब वालों ने। अब आप इसमें अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, रेजोल्यूशन को कम जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, 3 डॉट पर जाना है। डॉट पर जाने के बाद आपको यहाँ क्वालिटी दिख रही है, क्वालिटी मतलब अभी 360 भी चल रही है, तो इसका सबसे ऊपर रेजोल्यूशन इस वीडियो में आप 480 कर सकते हैं। बाकी अदर वीडियो का आप करोगे तो उसमें 1080 फुल एचडी तक आप वीडियो को एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले ऑटो में 144 पे ही वीडियो चल रही थी, अभी बीच में अब उन्होंने वापस उसको कर दिया गया है कि अब ऑटो में भी कर सकते हैं आप, या फिर आप अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, 480 कर सकते हैं, जैसा आप देखना चाहें उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब की तरफ से नया अपडेट आया है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी ना भूलें, जिसका लिंक यहाँ पर मिल रहा था। थैंक यू दोस्तों।